दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रेजी फॉर रियलिटी। दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि सुपरस्टार रजनीकांत और अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म 2.0 की रिलीज टल गई है। ये उनकी फिल्म रोबोट का सीक्वल है। पहले ये फिल्म दिवाली 2017 पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब फिल्म के मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ा दी है। अब ये फिल्म 25 जनवरी 2018 को रिलीज होगी। मेकर्स का डिसीजन बहुत सही है, क्योंकि 25 जनवरी के बाद में 26 जनवरी को फ्राइडे है, जिस दिन छुट्टी है उस दिन पूरा फायदा इस फिल्म को मिलेगा। 27 जनवरी को सैटरडे है, वीकेंड शुरू हो जाएगा, उसका फायदा मिलेगा। 28 जनवरी को संडे है, इस तरह से 4 वीकेंड डेज का इसको फायदा मिलेगा। लेकिन सिर्फ इसीलिए इसकी डेट को आगे नहीं बढ़ाया गया है। रिलीज डेट को आगे बढ़ाने का कारण है फिल्म में VFX को वर्ल्ड क्लास लेवल पर ले जाना। मेकर्स चाहते हैं कि फिल्म के स्पेशल इफेक्ट पर और भी ज़्यादा काम किया जाए। फिल्म के VFX सुपरवाइजर श्रीनिवास मोहन है, जो SS राजामौली के साथ बाहुबली द बिगिनिंग में भी काम कर चुके हैं। दोस्तों इस फिल्म की टक्कर बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन की गोलमाल अगेन और आमिर खान की सीक्रेट सुपरस्टार से होने वाली थी। इसी वजह से पिछले कई दिनों से ये फिल्म सुर्खियों में थी। ये बॉलीवुड का सबसे बड़ा दिवाली क्लैश होने वाला था। खैर, अब अजय देवगन के लिए बॉक्स ऑफिस का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है, क्योंकि सीक्रेट सुपरस्टार में आमिर खान का रोल ज़्यादा लंबा नहीं है, वो केवल कैमियो रोल निभा रहे हैं। दोस्तों 2.0 में अक्षय कुमार विलेन का रोल कर रहे हैं। फिल्म के डायरेक्टर शंकर ने अक्षय को फाइनल करने से पहले कमल हासन, आमिर खान, विक्रम, ऋतिक रोशन, नील नितिन मुकेश और हॉलीवुड एक्टर अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर तक को अप्रोच किया था, लेकिन उन सब के बाद अक्षय से डील फाइनल हुई। फिल्म 2.0 का म्यूजिक ऑस्कर विजेता AR रहमान ने दिया है। फिल्म की भव्यता और खर्चा देखकर इसकी तुलना बाहुबली से की जा रही है। इस फिल्म में अक्षय कुमार एक साइंटिस्ट का रोल प्ले करेंगे। अक्षय ने इस रोल के लिए अपने हुलिये को पूरी तरह बदल दिया है। उन्होंने विलेन का ऐसा रूप पहली बार अपनाया है। उनके फैंस को इस फिल्म का खासा इंतजार है। तो दोस्तों ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 2.0 के आगे खिसकने से अजय देवगन को कितना फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए क्रेजी फॉर रियलिटी।